लगातार प्रेम प्रसंग के मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें हत्याकांड एवं गोलीकांड की बात सामने आ रही है। इसी तरह का एक मामला परसों का है, जिसमें एक युवक के भाई को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वह युवक का एक जो भाई था वो किसी लड़की को लेकर फरार हो गया था और 8 महीने पहले उसने उस लड़की से निकाह कर लिया था, जिसके बाद उसके भाई की हत्या कर दी गई। लेकिन आज दूसरी एक घटना हरदा में घटी, जिसमें अभिषेक गुर्जर नामक एक युवक ने थाने में शिकायत दर्ज कराई और कहा कि मेरे ऊपर सुमित अग्रवाल, जो कि हरदा नगर पालिका की पार्षद एवं भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष के बेटे हैं, एवं उनके साथियों ने गोली चलाई। इस मामले का एक सीसीटीवी कैमरे का एक जो फुटेज है वो भी वायरल हुआ है। इस मामले की जानकारी देते हुए हरदा एसपी अभिनव चौकसे ने कहा कि एक तरफा प्यार से इनकार नहीं किया जा सकता, हालांकि इस मामले में प्रकरण बना लिया गया है। इस मौके पर अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अर्चना शर्मा एवं थाना प्रभारी AR खान विशेष रूप से मौजूद रहे। इस मामले में पुलिस ने पत्रकारों से बात करते हुए बहुत ही जल्द और भी चीज़ों का खुलासा करने की बात दोहराई। इसमें सबसे बड़ी जो मैं अपने पुलिस फोर्स की हरदा पुलिस की इसमें सफलता मानूंगा कि इसमें त्वरित कार्रवाई हुई, अन्यथा अगर आप देखते हैं कि ऐसे मामलों में कई दिवस लग जाते हैं चीज़ों को समझने में या तय करने में, तो इसमें त्वरित संज्ञान दिया गया थाना प्रभारी और SDOP के द्वारा। उन्होंने इसको समझा और मैटर में तुरंत फाइलिंग की, फाइलिंग करने के उपरांत जिसमें आरोपी की पहचान भी हो गई। और क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है तो ये वीडियो बहुत जगह वायरल भी हुआ, वहाँ CCTV भी लगा हुआ था। तो एक प्रकार से करीब करीब 5 बजे FIR हो गई है और आरोपी को भी इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया है।